Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 12th lecture in the lecture series of Ecology and Environment, in which we are going to continue the topic of the wetlands. In the previous video, we have discussed about the basics of the wetlands, and in this video, we will be talking about the importance of the wetlands, the Montreux Record, the measures which are being taken by the Indian government in order to protect the kidneys of the earth. Then we will be talking about the hotspot areas of India. And at last, we are going to compare the rules of 2010 and 2017 in order to protect the wetlands. But before that, you have to write down the answer of some questions in the comment section. What are the wetlands? And what should be the salt content in the water to form the wetland? And guys, please write down the difference between the marshes and the bogs. If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, you can follow me on my Telegram channel. You can ask me doubt and can watch my previous videos. The link is given below in the description. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. Let's talk about the protection of the wetlands. In the previous video, we have discussed that a land which is wet, जहाँ पर है water logging, वहाँ पर बनते हैं हमारे wetlands, and they are the kidneys of the earth because they are responsible for purifying the water and recharging the groundwater level. इसीलिए basically इसे kidneys of the earth बोला जाता है. तो जैसे हमारी बॉडी के लिए किडनीज का बहुत यूज है, ऐसे ही हमारी अर्थ के लिए भी किडनीज बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी मदर अर्थ की किडनीज को प्रोटेक्ट करें. एंड इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, विच इज द 51st A आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बेसिकली हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई हैं. एंड जिसमें लिखा हुआ है कि इट्स अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. एंड इसी कारण हम लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने वेटलैंड्स को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन भी होती है, बायोडाइवर्सिटी भी होती है, एंड दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ आर एनवायरनमेंट. सो इसे करने के लिए हमारी लेजिस्लेचर ने एक कमेटी बनाई है, जिसे बोला जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. सो गाइस, बेसिकली ये करती क्या है? ये बेसिकली मॉनिटर करती है कि क्या सिटीजन्स अच्छे से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. मतलब जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड अगर वो हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म पहुंचा रहे हैं तो उन्हें क्या पनिशमेंट देनी है, ये भी बेसिकली ये ही अथॉरिटी बताती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, एंड ये बनी है 51st A आर्टिकल के अंडर, जिसमें कि बेसिकली आते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, और ये पास हुआ था 1985 में. सो गाइज, इस एक्ट के अंडर बेसिकली होता क्या है कि हमें किसी भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसका हैबिटेट प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ 1/10 हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय कर दें तो उसकी वजह से नियरली हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन गेट डिस्ट्रॉयड. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करें. इसलिए हमारे वेटलैंड्स में भी बहुत वेजिटेशन होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, एंड उन्हें कंजर्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने वेटलैंड्स को कंजर्व करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें. एंड उसी के लिए हमारा बनाया गया है नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1985. एंड इसके अंडर 2010 में एंड 2017 में कुछ हमारे लॉज बनाए गए हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स. एंड हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है रूल्स ऑफ द 2010 एंड 2017 व्हिच आर बीइंग फॉर्मड अंडर द नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1985. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी. सो गाइज, ये बेसिकली पास हुई थी 2006 में. सो ये बेसिकली क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जहाँ पर भी बेसिकली बहुत वाइल्ड लाइफ होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करती, क्योंकि अगर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी
तो वहाँ पर सॉयल नहीं होगी, सॉयल नहीं होगी तो वहाँ पर हमारी वेजिटेशन नहीं होगी, हैबिटेट नहीं होगा, हैबिटेट नहीं होगा तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी लॉस। सो बेसिकली गाइस, इस पॉलिसी के अंडर क्या है कि हम लोग अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स नहीं कर सकते, हमारे कोस्टल रीजन्स के अराउंड कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो वहाँ पर होगा हमारा हैबिटेट लॉस, एंड अगर हैबिटेट लॉस हो गया तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत खतरे में आ जाएगी। एंड इसी पॉलिसी के अंडर हमारी वेटलैंड्स के लिए भी कुछ लॉज हैं कि जहाँ पर भी वेटलैंड्स हैं वहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते, एंड ऐसे हमारी गवर्नमेंट बेसिकली ट्राई करती है हमारे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की। एंड ये गाइस बेसिकली बताती है कि कैसे आप इन वेटलैंड्स को, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें कैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे जो भी वहाँ पर रिसोर्सेज हैं उन्हें एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ये बेसिकली है क्या गाइस? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रामसर कन्वेंशन के बारे में, एंड हमने देखा था कि देयर आर टोटल 39 रामसर साइट्स इन इंडिया। सो गाइस, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए बेसिकली हमारी रामसर ट्रीटी साइन हुई थी कुछ कंट्रीज़ के बीच, जिसके अकॉर्डिंगली उन्हें बेसिकली अपने अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन उन्होंने एक बेसिकली रिकॉर्ड बनाया जिसे बोला गया मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, जिसमें लिखा जाता है उन वेटलैंड्स के बारे में जो कि हमारे ग्लोबल यूज़ की हैं एंड जिनको थ्रेट है। थ्रेट कैसे हो सकता है गाइस? वेटलैंड में होती है वाटर लॉगिंग। अगर वाटर लॉगिंग में बेसिकली गंदा पानी होगा, मतलब उसमें सीवरेज का वाटर होगा या फिर वहाँ पर मैराइन पॉल्यूशन होगा, तो इससे क्या होगा कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी हमारे वाटर में, जिसकी वजह से वहाँ पर वेजिटेशन अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएगी, हेंस वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी अच्छे से नहीं होगी। सो ऐसे साइट्स जिनको थ्रेट है, ऐसे वेटलैंड्स, उनको हम लोग डाल देते हैं बेसिकली मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। एंड करंटली हमारे इंडिया की दो रामसर साइट्स हैं जो कि रामसर कन्वेंशन में हैं, एंड बेसिकली वो हमारे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी हैं क्योंकि वो अंडर थ्रेट हैं। पहली है हमारी लॉकटक लेक जो कि प्रेजेंट है मणिपुर में, एंड उसके बाद है हमारा कॉलोराडो नेशनल पार्क दैट इज प्रेजेंट इन राजस्थान। लेट्स टॉक अबाउट द लॉकटक लेक गाइस। इट इज़ बेसिकली द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का ओनली नेशनल वाटर पार्क है जो कि है फ्लोटिंग। तो गाइज यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, लेट मी शो यू द इमेज ऑफ द लॉकटक लेक। गाइज आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर फ्लोट कर रही हैं, इन्हें बेसिकली फुफड़ीज बोला जाता है, एंड ये फ्लोट करती हैं एंड इसीलिए इसको बोला जाता है द फ्लोटिंग नेशनल पार्क। एंड ये ओनली नेशनल पार्क है हमारे पूरे वर्ल्ड में जो कि है इंडिया में इन मणिपुर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में बेसिकली है क्यों। क्योंकि गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूट्रोफिकेशन हो चुकी है, मतलब यहाँ पर सीवरेज का वाटर इतना ज़्यादा हो चुका है कि यहाँ पर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू है पानी में वो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर वेजिटेशन को अच्छे से ना तो सनलाइट मिल पाती है एंड न्यूट्रिएंट्स भी बेसिकली बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, एंड इसी को बेसिकली यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। एंड इसकी वजह से हमारी लॉकटक लेक दैट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड वो है थ्रेट में, इसीलिए इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। सो गाइज ये बेसिकली एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर पूरे के पूरे मणिपुर का पूरा सीवरेज वाटर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद है यहाँ पर वाटर हेजिन। वाटर हेजिन का मतलब होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन है। एंड गाइज यहाँ पर आसपास डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर सॉइल इरोजन होती है एंड वो जैसे हमारे पानी में मिल जाती है तो बेसिकली यहाँ पर वाटर पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी थ्रेट में आ जाती है, इसलिए बेसिकली लॉकटक लेक को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल दिया गया है। एंड गाइज जैसा कि आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एंड हमारी लॉकटक लेक के अराउंड भी इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है कि वहाँ पर हमारी नेचुरल वेजिटेशन ग्रो ही नहीं कर पा रही, इसलिए बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा थ्रेट है। गाइस
कीस्टोन स्पीशीज होती हैं, मतलब हर जगह पर कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं कि अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट ना हो तो हमारी पूरी की पूरी फूड चेन हिल जाती है एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम पूरी की पूरी खराब हो जाती है। एंड ऐसे ही यहाँ पर एक कीस्टोन स्पीशीज है जिसे बोला जाता है पैगमाइट कारका। सो बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा थ्रेट हो रहा है एंड ये बेसिकली एक्सटिंक्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के इकोसिस्टम को बहुत थ्रेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ की फूड चेन, हमारा फूड वेब, सब कुछ डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। एंड ये भी एक रीज़न है क्यों हमारी लोकटक लेक को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का पार्ट बना दिया गया है। लेट्स टॉक अबाउट दी कॉल्डियो नेशनल पार्क, जो कि प्रेजेंट है हमारे राजस्थान में। गाइज यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। एक तो क्या है कि यहाँ पर कोई स्पीशीज आ गई है, ग्रास स्पीशीज है, जिसकी वजह से जो हमारी नेटिव स्पीशीज हैं वो ग्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि ये बेसिकली एक्जॉटिक स्पीशीज हैं जो कि बाहर से आई हैं। एंड इसका नाम है पेस्पेलम, मतलब ये ग्रास ऑफ पेस्पेलम है जो कि बेसिकली एक एक्जॉटिक स्पीशीज है जो कि बाहर से आई है, जिसकी वजह से जो यहाँ की नेटिव स्पीशीज हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमें अपने अपनी यहाँ का खाना ही अच्छा लगता है, वैसे ही जो वहाँ के हर्बीवोर्स होते हैं उन्हें भी अपने टाइप का खाना ही पसंद होता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर ग्रास ऑफ पेस्पेलम ग्रो कर गई है तो उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता, इसलिए वो थ्रेट के अंडर आ गए हैं। एंड गाइज यहाँ पर भी सीवरेज की प्रॉब्लम है, डिफॉरेस्टेशन होती है एंड यहाँ पर गाइज बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग होती है। मतलब यहाँ पर जब हर्बीवोर्स ग्रेजिंग करते हैं तो इससे क्या होती है कि यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा हार्म होती है, इसलिए यहाँ के नेशनल पार्क को भी है थ्रेट, इसलिए इसको भी हमने डाल दिया है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द चिल्का लेक। आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि ये एक टाइम के लिए हमारे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में थी एंड ये नियरली 1992 में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में चली गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूट्रोफिकेशन हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवरेज वाटर को रिलीज़ कर दिया गया था, जिसकी वजह से सन रेज अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर वेजिटेशन भी अच्छे से नहीं ग्रो कर पा रही थी, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा थ्रेट में आ गई थी, इसलिए इसको डाल दिया गया था मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। लेकिन अभी हमें इसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से बाहर निकालना था, इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई जिसे कहा गया चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसने बेसिकली बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से 2002 में हमारी चिल्का लेक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से बाहर आ गई, क्योंकि इसने ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर लिया था कि अभी इसको कोई भी थ्रेट नहीं है एंड यहाँ पर उगने वाली वेजिटेशन, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रही है। तो गाइज नियरली 10 साल में हमारी चिल्का लेक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से बाहर आ गई थी, इसलिए 2002 में हमारी चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी को अवार्ड भी मिला था हमारे रामसर कन्वेंशन से, क्योंकि इन्होंने अच्छे से वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया एंड इसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया। तो गाइस बेसिकली वेटलैंड्स की बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो हमने देखा कि कैसे रामसर कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है एंड कैसे हमारी चिल्का वेटलैंड अथॉरिटी ने काम किया उसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से बाहर निकालने के लिए। सो गाइस बेसिकली ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है इन वेटलैंड्स की, जिसकी वजह से हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना इतना ज़रूरी है एंड हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतने सारे लॉज बनाती है। गाइज पहला तो ये है कि ये हमारे इरिगेशन के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ से पानी लेकर, जैसे कि हमारी लेक्स भी वेटलैंड्स के अंडर आती हैं, हमारे रिजर्वॉयर्स आते हैं, तो वहाँ का पानी बेसिकली इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है। उसके बाद बेसिकली गाइज क्या है कि फ्लड्स कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं पर भी फ्लड आएगा तो हम वहाँ का पानी इन लेक्स में डाल सकते हैं, वेटलैंड्स वाली जगह पर डाल सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर पानी होगा तो वो धीरे धीरे हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे वेटलैंड्स की। उसके बाद आती है कि ये वाटर को प्योरीफाई कर देता है, क्योंकि गाइज अगर लैंड पर बेसिकली वाटर लॉगिंग होती है तो वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड जाना शुरू करती है, लेकिन जैसे कि बहुत सारी लेयर्स ऑफ सॉइल से उसे गुजरना पड़ता है तो उसके जो सेडिमेंट्स होते हैं वो वहीं पर कैप्चर हो जाते हैं एंड बहुत ही प्योरीफाइड वाटर होता है जो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है।
उसके बाद हमने देखा था कि कैसे रिजर्वॉयर्स भी हमारे वेटलैंड्स के अंडर आते हैं एंड उस वाटर को यूज़ करके बेसिकली स्टीम बनती है, स्टीम को यूज़ करके टर्बाइंस रोटेट की जाती हैं एंड उससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी एंड उसे बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए भी हमारे वेटलैंड्स बहुत यूज़फुल हैं। एंड गाइस, जैसे कि लेक्स में फिशेस होती हैं तो यहाँ पर हम लोग फिशेस भी कर सकते हैं एंड वेटलैंड्स में वेजिटेशन तो अच्छी होती ही है एंड यहाँ पर एक बहुत अच्छी जो चीज़ है वो होती है टिम्बर एंड टिम्बर बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ आती है, इसलिए हमें वेटलैंड से टिम्बर मिलती है, इसलिए भी हमें वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो गाइस, उसके बाद क्या है कि अगर कहीं पर भी प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होती, वेटलैंड्स में भी वेजिटेशन होती है इसलिए यहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं हो पाती। गाइस, जैसा कि हमने देखा था कि मार्शेस बेसिकली ग्रो करते हैं लेक्स की साइड पर एंड अगर वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होगी तो वहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होगी एंड ये एक और सिग्निफिकेंस हुई हमारे वेटलैंड्स की। उसके बाद क्या है गाइस, अगर सुनामीज आती हैं, हमारे साइक्लोन्स आते हैं तो बेसिकली उनका वाटर सिंक हो जाता है हमारे वेटलैंड्स में, जिसकी वजह से हमें साइक्लोन्स और सुनामीज का इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा नहीं सहना पड़ता। उसके बाद भी गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ये हमें सुनामी से बचाती है, साइक्लोन से, अगर मैराइन पोल्यूशन होता है फिर भी ये वेजिटेशंस ग्रो कर पाती हैं, जैसे कि हमने मैंग्रोव्स के केस में देखा था कि कैसे वो बहुत हार्श इकोलॉजिकल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पा रही थी। एंड गाइस, जैसे कि लक्षद्वीप में आपको पता है कि हमारे बहुत सारे कोरल्स प्रेजेंट हैं तो ये कहीं ना कहीं टूरिज्म साइट्स भी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं क्योंकि उन्हें बेसिकली माइग्रेट करना पड़ता है। जब जैसे कि हमारे तुंद्रा बायोम में जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ की स्पीशीज दूसरी जगह पर चली जाती हैं एंड ऐसी ही कुछ स्पीशीज हमारे वेटलैंड्स में भी आती हैं। एंड गाइस, बेसिकली क्या होता है, कुछ की तो कल्चरल इम्पॉर्टेंस होती है एंड हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में देखा था कि कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में, जो कि हमारी जो मैराइन वेजिटेशन होती है वो यूज़ करती है एंड उसे यूज़ करके वो ग्रो करती है, जो कि बेसिकली वहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम को, इकोसिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बना देती है, क्योंकि उससे बेसिकली हमारी स्मॉल फिशेज लार्ज फिशेज को खाना मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द हॉटस्पॉट गाइज, हम लोग हॉटस्पॉट किन को बोलते हैं, ये आपका मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है गाइज, ये बेसिकली उस जगह को बोला जाता है जहाँ पर बेसिकली तीन कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हों। तो गाइज, ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट दिया किसने था, नॉर्मन मायर ने। गाइज, मायर ने एक और चीज़ बताई थी एंड यू हैव टू राइट डाउन दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। सो गाइज, अगर किसी भी एरिया को हमें बोलना है कि वो हॉटस्पॉट एरिया है तो उसे बेसिकली कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। एक तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली जो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो एंड कुछ ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए जो बेसिकली वहीं पर मिलती हों। मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज तो होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, तो ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत अच्छी हमारी बायोडाइवर्सिटी हो, वहाँ पर कोई एंडेमिक स्पीशीज हो जो कि बेसिकली वहाँ की स्पेशलिटी हो एंड वो एरिया थ्रेट में हो, तो ऐसे एरिया को हम लोग हॉटस्पॉट बोल देते हैं। तो गाइस, बेसिकली हॉटस्पॉट को हम लोग मेजर किस में करते हैं, हैबिटेट और फ्रेगमेंटेशन में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग सिर्फ 1/10 ऑफ द हैबिटेट को भी डिस्ट्रॉय कर दे तो वहाँ की हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए हॉटस्पॉट एरिया को बेसिकली हम लोग मेजर करते हैं हैबिटेट में और फ्रेगमेंटेशन में। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट एरियाज ऑफ इंडिया जो कि हैं बेसिकली थ्रेट में। गाइस, हमें पता है कि हिमालयन रीजन में हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन जैसे कि हमारे हिमालयन रीजन में क्लाइमेट चेंज का बहुत असर पड़ रहा है जिसकी वजह से ये एक हॉटस्पॉट एरिया बन गया है। गाइस, वेस्टर्न घाट्स भी हमारे बेसिकली वेटलैंड्स में आते हैं क्योंकि वहाँ पर कोस्टल रीजन्स हैं एंड वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी थ्रेट में है, इसलिए यहाँ भी हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके बाद है हमारा सुंदरलैंड जो कि बेसिकली प्रेजेंट है अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड में। उसके बाद है हमारा इंडो बर्मा रीजन। गाइस, बर्मा बोला जाता है म्यांमार को, सो बेसिकली जो वहाँ पर रीजन है वो भी हमारे हॉटस्पॉट में
आता है। नाउ लेट्स कंपेयर द रूल्स ऑफ 2010 एंड 2017 जो कि बनाए गए हैं हमारे नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1985 के अंडर। लेकिन गाइज इससे बेसिकली क्या पता चलता है कि जो हमारे रूल्स हैं वो 2010 के ज़्यादा अच्छे थे एज कम्पेयर टू 2017, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है 2017 के रूल्स में, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई है। सो गाइज बेसिकली है क्या कि 2010 में जो सारा का सारा कंट्रोल था, जो भी हमारे रूल्स बनते थे, वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनते थे, क्योंकि जो भी हमारी सेंट्रल लेवल की अथॉरिटीज़ होती थी, ये उनकी ड्यूटी होती थी कि उन्हें प्रोटेक्ट करना है हमारे वेटलैंड्स को। लेकिन अभी ये ड्यूटी दे दी गई है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, एंड हमारी स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली एक एटलस तैयार करनी थी जिसमें बेसिकली उन्हें बताना था कि वहाँ पर कौन कौन से वेटलैंड्स हैं एंड कौन कौन से वेटलैंड थ्रेट में हैं एंड जिन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड गाइज हमने देखा था कि नेशनल वेटलैंड एटलस बनाई थी हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में, जो कि बेसिकली है अहमदाबाद में। सो ऐसे ही कुछ एटलस हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बनाने के लिए बोला गया था। सो गाइज 2010 में क्या था, हमारी एक अथॉरिटी होती थी सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका काम क्या होता था, हमारे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना, ऐसे वेटलैंड्स को ढूंढना जो कि थ्रेट में है एंड उन्हें बेसिकली प्रोटेक्ट करना, उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाना। लेकिन जो आज हमारी कमीशन इस चीज़ को काम कर रही है, इस चीज़ पे काम करती है, हमारे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करती है, वो है हमारी नेशनल वेटलैंड कमीशन, एंड ये कुछ ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही। एंड गाइस उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि इनके लिए, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, कोई भी ऐसा डेडलाइन नहीं बनाई गई है कि कब तक उन्हें प्रोटेक्ट करना है, कब तक उन्हें जो सीवरेज का वाटर है वो हमारे वेटलैंड से हटाना है, एंड कब तक उन्हें हार्श रूल्स बनाने हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमारे पर्सन्स के लिए, सो दैट वो हमारे वेटलैंड्स को ज़्यादा हार्म ना करें। एंड गाइस क्या था कि 2010 में हमने पैडी फील्ड्स एंड कुछ ऐसी जगहें थी जिनको हमने वेटलैंड्स के अंडर ले लिया था एंड जिन्हें बेसिकली हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन 2017 के अकॉर्डिंगली बहुत सारी जो वेटलैंड्स हैं, उनकी कैटेगरीज हैं, उनको निकाल दिया गया है वेटलैंड से एंड उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रही अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तो गाइस जैसा कि हमें पता है कि रिवर्स, लेक्स वगैरह ये भी हमारे वेटलैंड्स के अंडर आती हैं, तो बहुत सारी स्टेट्स बेसिकली एक दूसरे के साथ ये शेयर करती हैं, तो उनमें हमेशा ये झगड़ा होता रहता है कि बेसिकली कौन इसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड इस कारण क्या होता है कि जो डिस्प्यूटेड वेटलैंड्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं हो पाती। एंड गाइस हुआ क्या है कि जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल थी, उसको पहले तो बहुत सारे जो हमने दे रखे थे कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, अगर कोई वेटलैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा तो आप उसको सज़ा भी दे सकते हैं, तो बेसिकली हमने उसको बहुत सारी पावर्स दे रखी थी। लेकिन अभी हमने उसकी पावर्स को भी कम कर दिया है एंड दैट इज़ नॉट वेरी गुड पॉइंट, एंड इससे हमारी वेटलैंड प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रही। लेकिन हमने देखा कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वेटलैंड्स की एंड हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एंड वी होप कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत जल्दी इस पर स्टेप उठाए एंड वो ये चीज़ समझे कि 2010 के रूल्स मच बेटर थे हमारे 2017 के रूल्स से। सो गाइस इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट लॉज देखे, हमने कंपेयर किया रूल्स ऑफ 2010 और 2017 को, मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड के बारे में देखा, हॉटस्पॉट एरियाज के बारे में देखा, एंड हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ द वेटलैंड्स के बारे में। सो इफ़ यू एंजॉयड माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।